अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज है फ्राइडे, अभी यहाँ पे बज गए हैं 12 हो चुके हैं। अभी मैं शॉप पे बैठा हूँ, अभी टाइम हो चुके हैं 12 बज चुके हैं और शॉप पे बैठा हूँ। तकरीबन आधे घंटा और यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सलून पे खत वगैरह करवाने के लिए, और उसके बाद शावर वगैरह लेके फ्राइडे की करनी है तैयारी, और फिर आपके भाई ने पढ़ना है जुम्मा। तब तक रहे हमारे साथ, और अगर हमारा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारी वीडियो लाजमी लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। चलें मिलते हैं। और ये चेक करें, ये अब आपके भाई की शॉप। अभी फ़िलहाल तकरीबन 3 साल हो गए हैं किराना स्टोरी चलाया जा रहा है जनाब। ठीक है, देखो वीज़ा वगैरह भी ढूंढ रहा हूँ कैंप बॉस का, अगर वीज़ा वगैरह मिल जाए या फिर कोई ऑफिस वर्क सऊदीया के लिए मिल जाए तो वो भी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, बाकी बात किस्मत की होती है, जहाँ पे दाना पानी इंसान का लिखा हो ठीक है मिलता वही है, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए भी। तो अगर कोई अच्छा वीज़ा आप लोगों के इलम में भी हो तो लाजमी मुझे बताना, कैंप बॉस का हो जाए या फिर ऑफिस वर्क का हो जाए। अच्छा, आज जुमे का दिन है ठीक है, और आज आपको दिखाते हैं कि गंदम, एक बारिश हुई थी लेकिन उस बारिश की वजह से ज़मीन इतनी ज़्यादा प्यासी थी कि कोई मोल माशरा नहीं बना। ये देखें, जो ज़मीन सूख गई है और जो गंदम है, जो कणक है, वो भी अब धूप शदीद किस्म की पड़ रही है, ये नज़र आ रही है। इतनी तेज़ धूप हो गई है तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो गंदम है ये मुरझाना शुरू हो चुकी है, और लोग जो है जिसमें जमा सारे हों, लोग आस्ता आस्ता निकाल के भैंसों को डालना स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये भी देखें, अगर बारिश ना हुई ना तो ये भी ख़त्म हो जाएगी, फिर इसको हमने खींच के निकालना पड़ेगा या फिर यहाँ पे भैंस वगैरह या काऊ वगैरह को बांध के खिला देंगे, क्योंकि बारिशें नहीं हुई ना इस वजह से बहुत मसला बना है। ठीक है, इतनी ज़्यादा फसलें वगैरह नहीं हुई हमारे इलाके में इस बार। चेक करें जी, अभी भैंसों वगैरह को पानी भी पिला लिया है, ताकि आज जुम्मे है, आज 12 बजे से पहले पहले सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। अब शॉप भी बंद करने लगा हूँ ठीक है, शॉप बंद करके जाना है, आपके भाई ने खत वगैरह करवाना है, दाढ़ी वगैरह सही करवानी है, तो इससे पहले भैंस को अंदर बांध दूँगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और आज का मौसम भी तेज़ धूप की वजह से ना मच्छर वगैरह भी माल मवेशी को ज़्यादा काटते हैं। अच्छा, मेरा मूड ये कह रहा है कि इससे पहले ना शॉप बंद की जाए, इससे पहले हम फ़ोन करते हैं जनाब सलोन पे और उससे पूछते हैं कि आज जुमे का दिन है, फ्राइडे है, क्योंकि उसके पास काफ़ी रश होगा। अगर उसके पास रश है तो ये देखें, अभी मेरी दाढ़ी वगैरह सही है तो फ़ोन करता हूँ, अगर रश होगा तो फिर उसके पास नहीं जाएंगे, इतवार पर चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो फिर हम शावर वगैरह लेके कपड़े वगैरह डाल के फिर जुमे के लिए निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, लैपटॉप मैंने ऑन किया हुआ था ठीक है, इसको हम करने लगे हैं बंद, ये लैपटॉप हो गया बंद, यहाँ से लेंगे ताला उठाएंगे, गले को करेंगे बंद ठीक है। उसके बाद ये शार्प होने लगी है, ये लग गया इसको ताला, भैंस भी बैठी हुई है तो बाद में देखेंगे उसको। बाकी जो है, मेरी बात हुई थी सलोन वाले से, वो कह रहा है कि आज रश बहुत है क्योंकि पठान वगैरह ऊपर से उनको छुट्टी होती है, वो आते हैं मायनों से नीचे कटिंग वगैरह करवाने। अभी हम घर में पहुंच आए हैं और ये देखें जी,
कपड़े इस्त्री वगैरह होके पड़े हुए हैं। बस अभी मैंने शावर लेने हैं, यहाँ से शैम्पू उठाने हैं और सीधा शावर लेके रेडी हो जाना जी। चलें जिसके लिए वेस्ट कोट भी निकाल लेते हैं। ठीक हो गया, इसके वास्ते ही ना आज ब्लैक ब्लैक निकाल लेते हैं जनाब, ब्लैक वो वेस्ट कोट को निकालते हैं। ये देखें जी, ब्लैक वेस्ट कोट भी साथ रखते हैं ना, समझा करो, कम्बिनेशन अच्छा बन गया है ना। तो मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक इस जुमे के सबके तमाम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अदा कर रहे और बेरोज़गार अफराद को नेक रोज़गार के सबब पैदा करें। और ये मेरी दुआ है कि जो भी बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और जो बे औलाद हैं उनको नेक साल नजरीना औलाद अदा करे और इस जुमे के सदक़े अल्लाह पाक हमारे कारोबार में बरकत अदा करे। चलें जी, हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए। अपनी दुआओं में सबको याद रखेंगे और साला व्लॉग तुम्हें अच्छा लगे तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। तो अल्लाह हाफिज़।